वो अच्छा करेंगे बुंदा करेंगे के करेंगे के नहीं करेंगे वो आ रहे हैं और काम कोई फैसला नहीं माना है थोड़ा बहुत मतलब वावर करते हैं हमारे भाई कोई और बोल दे इसमें सब बोल दे सब बोल देते हैं इसमें के लिए क्या सही बता आप बोल दो भाई सब बोल दो इसमें के बोल दो ए रुक जाओ भाई जो बोलो बहन जी यहाँ 200 आदमी हैं खोखा गांव में इकट्ठे हैं दो गांव में पंचायत है एक लड़की ले रखी है चांदराम का लड़का सुखविंदर पुत्र चांदराम लड़का लड़की को हाँ अनमैरिड है लड़का सुनो लड़का शादीशुदा है लड़की अनमैरिड है दोनों हाँ दोनों यही हैं चार दिन से विवाद हो रहे हो मेरा जंगवीर उड्डार नंबरदार हूँ खोखा गांव का मंदिर के पास और मंदिर में पंचायत है दोनों गांव में पंचायत है मोनी बाबा के मंदिर में पंचायत हो रही है पंचायत आपका नाम बताइए आपने क्या बताया जंगवीर उड्डार नंबरदार खोखा हाँ चांदराम के नाम से कहिए हाँ बिल्कुल उठा लें बहन जी बिल्कुल उठा लें भेज दो ठीक ठीक है ठीक अच्छा दोनों का या मेरा हमें भी नहीं आना जाऊं किसका था हो गया चलो हाँ कुछ सभी दर्शकों को नमस्कार दोस्तों आज हमारी मीडिया की टीम पहुंची है गांव खोखा में ये जो खोखा है आसे तहसील और डिस्ट्रिक्ट एसआर में आती है और यहां पर जो रेखा महराणा का कई दिन से मैटर चल रहा है उसके बारे में ये लंबरदार जी ये बताएंगे पंचायत ने क्या फैसला लिया है नमस्कार भाई साहब नमस्कार आज क्या फैसला दिया भाई साहब पंचायत ने दोनों गांव की पंचायत खोखा गांव के मोनी बाबा मंदिर में इकट्ठी हुई अच्छा जी और सर्व समिति से ये निर्णय लिया गया कि सुखविंदर जिस लड़की को लेके आया है चांदराम उससे सहमत नहीं है अच्छा अपने घर हाँ चांदीराम उसका पिताजी है वो उसको अपने घर में रखना नहीं चाहता इसलिए 112 नंबर पर हमने सूचना दे दी है पुलिस आने लग रही है आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी अच्छा पंचायत का क्या फैसला रहा नंबरदार जी पंचायत ने दोनों पक्षों को लेके चांदीराम के ऊपर बात छोड़ दी चांदीराम ने ये निर्णय सुनाया लड़की के पिताजी पे बात छोड़ दी वो कह देगा कि ये तो कोर्ट से आ रहा है कोर्ट से कैसे आ रहे हैं तब चंद्रराम ने अपने जमानत पाए हुए दोनों नहीं जमानत से जमानत करवाना एक अलग बात है किसी कवारी लड़की को अपने घर में पना देना एक अलग बात है ना वो रिलेशनशिप में बता रहा ना उसने शादी करवा रखी वो पहले से शादीशुदा है इसलिए दूसरी औरत का उस घर में रहना वो नाजायज है पूरा गांव लड़की के पिताजी जो आए थे उनका क्या कहना है लड़की के जो पिताजी आए थे लड़की के पिताजी आए थे उनका क्या कहना है लड़की के पिताजी ने यही कहा कि भाई वो मेरी सहमति से नहीं रह रही मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ वो जबरदस्ती रह रही है हाँ नमस्कार अंकल जी आपका शुभ नाम देवा सिंह आज ये जो पंचायत हुई है मोनी बाबा के मंदिर में क्या पंचायत ने फैसला लिया क्या डिसीजन लिया है दोनों गांव की पंचायतों ने हाँ अपनी सहमति से ये फैसला लिया है कि लड़का और लड़की अच्छा नाजायज रूप से इस गांव में रह रहे हैं जिससे गांव का माहौल भी खराब होने के चांसेस हैं ठीक ठीक और पंचायत ने ये निर्णय लिया है सबसे पहले जो सुखविंदर था हाँ जी दो शादीशुदा है और दो लड़की को अपने साथ लेके यहाँ आया हुआ था उसके बारे में गांव में चार दिन से काफी चर्चा का विषय बनाया हुआ था हाँ जी जो तो, लड़का है जो सुखविंदर है उनसे आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना है उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपना काम करूंगा गांव की कोई हिम्मत नहीं है जो मेरे को काम करने से रोक दे तो गांव और पंचायत के फैसले के खिलाफ जा रहा है वो गांव और पंचायत का कोई डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं है दोनों पंचायतों का कोई फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है तो ताऊ जी ऐसा तो नहीं हो जो पहले जैसी जमानत करा दी थी अब कोई जमानत करा ले वो उनकी मर्जी है सरकार की मर्जी है सरकार किसी की जमानत करो प्रशासन का काम है वो प्रशासन का काम है गांव का काम नहीं गांव में माहौल खराब नहीं होना चाहिए नहीं चाहते हम कि हमारे गांव का नाम बदनाम वो अश्लील वीडियो वगैरह जो देखो हमें तो पता नहीं अब वो क्या चीज यूट्यूब पर के डाल आपको तो नहीं पता अंकल जी हाँ
लेकिन आम नौजवानों को तो पता है, उन्होंने ही बताया है तो तभी हम इकट्ठे हुए हैं। और इस बात को दबाने के लिए गांव का नाम बदनाम ना हो, और जो है वो अगर जो बना चैनल कोई अच्छे नाटक बनाना चाहते नहीं तो धार्मिक सामाजिक समाज सुधारक जो हो वो बनाओ, जिससे अश्लील वीडियो बनाना गांव में जो है हमारा समाज ये मान्यता नहीं देता। आइए एक ताऊ जी और आप ना जाओ ताऊ दड़ा बता दिया मैं आज की पंचायत का प्रधान था। अच्छा जी, हाँ मेरी अध्यक्षता में ही ये फैसला हुआ है। ताऊ जी मान लिया कि आगे फिर जमानत पे आ गए ये लोग, दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? हमने जो हमारे चमार भाई थे जिस समाज से वो थे हमने उनके ऊपर छोड़ दिया, भाई तुमने जो है आगे अगर जो ये कोई गलत काम करते हैं या फिर दोबारा यहाँ आते हैं और ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं तो तुमने एक्शन लेना होगा, अगाड़ी आप लोगों की होगी, चमार भाइयों की, बाकी गाँव जो है आपके साथ होगा। ठीक ठीक, नहीं इसमें कानून की भी मदद ली जाएगी, प्रशासन की भी। प्रशासन ही तो करेगा काम है, वो भी तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, चमार भाई भी तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। हाँ तो कानूनी प्रक्रिया वो तो अपनाएंगे और हम लोग जो हैं उनका साथ देंगे। ठीक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।